दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कोरोना काल के दौरान मजदूरों के पलायन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था। अब चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है और उनसे अपने दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है। संजय निरुपम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलती कांग्रेस पर डाल रहे हैं। संजय निरुपम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने, सुनिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस पर हमला बोला था। कोरोना काल के दौरान मजदूरों के पलायन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जो है सीधे सीधे जिम्मेवार बताया था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री ने जो कोरोना काल के दौरान मजदूरों का पलायन हुआ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने करवाया है। नहीं, बहुत प्रधानमंत्री जी का जो पूरा भाषण था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लोकसभा में खड़े होकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दो तीन दिनों तक जो चर्चा चली उस चर्चा का वो जवाब दे रहे थे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ऐसे में राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण दिया उन विषयों को छेड़ा जाता है और जो अपोजिशन के लीडर जो उन विषयों के ऊपर अपनी बात रखते उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन इसके उल्टे वो कोरोना काल में खासकर पहले फेज में जो माइग्रेंट लेबर्स को जो कष्ट हुआ, जो तकलीफ हुई, उस पर माफी मांगने के बजाय उस विषय को छेड़ते हैं और उस विषय को छेड़ने के बाद सबसे पहले उन श्रमिकों को बदनाम करते हैं कि इनकी वजह से कोरोना फैला और दूसरा इनको गांव वापस जाने के लिए उकसाने वाली कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस को दोष दिया। कांग्रेस को क्यों दोष दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव है तो चुनाव में कैसे कांग्रेस को बदनाम किया जाए, इस दृष्टिकोण से उन्होंने इस तरह का जवाब दिया, इस तरह का भाषण दिया। अब आपको सबको पता है कि जो मुंबई से, दिल्ली से जो माइग्रेंट लेबर निकले वो पंजाब नहीं आए थे। पंजाब से कोई माइग्रेंट लेबर जाके बंबई में, दिल्ली में काम नहीं करता, वो आमतौर पर यहीं रहते हैं लोग। हाँ, यूपी बिहार से बड़े पैमाने पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के पंजाब का नाम लिया क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब में कांग्रेस को बदनाम करना था। सर, आप भी कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं तो आप अपने इलाके का क्या वो हाल देख रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ मुकाबले में खड़ी है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहाँ है? नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी का माहौल अच्छा दिख रहा है और आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो कामकाज है उसको पंजाब के लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। काम कम, लफाजी ज़्यादा है, तो ऐसे लफाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे करके अपना वोट पंजाब के लोग बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले संसद में उस बयान को वापस लेने की मांग की है जिसमें उन्होंने मजदूरों के पलायन के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताया था। संजय निरुपम का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जो भी कुछ हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेवार है। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा चन्नी को घोषित करने के बाद जो एक मायूसी आई है उसको उन्होंने सामान्य बताया और कहा है कि कांग्रेस जो है पंजाब में मजबूती से जो है अगली सरकार रिपीट करेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।